नमस्कार स्वागत है आपका योर गो स्टडी चैनल में जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जिसका एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे जिसमें हमने डिस्कस किया था अबेक्स जिसकी इन्वेंशन हुई आपकी फाइव हंड्रेड बी सी नेपियर बोन्सटीन सेवनटीन पासकेला जैकल एटीन जीरो फोर और अर्थमोमीटर एटीन ट्वेंटी इसके बाद जिन डिवाइस की इन्वेंशन हुई वो थी आपकी डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन डिफरेंस इंजन की आपकी इन्वेंशन हुई अठारह सो इक्कीस में और एनालिटिकल इंजन की इन्वेंशन हुई आपकी अठारह में ये इन्वेंशन की गई चार्ल्स वेबस के द्वारा जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है ये डिवाइसेस परफॉर्म करती थी कम्पलेक्स कैलकुलेशन और जो आपकी एनालिटिकल इंजन था ये थी आपकी फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था वो था आपका एनालिटिकल इंजन और इस इंजन में इनपुट देने के लिए हम पंचका्ड का यूज करते थे फादर ऑफ कंप्यूटर थे आपके चार्ल्स पेपर्स लेकिन पिछले जो पेपर्स में क्वेश्चन बने थे वो बने थे हु इज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे सैम और क्रे और इनके साथ जिस व्यक्ति ने सुपर कंप्यूटर की इन्वेंशन में मदद की थी वो थे आपके बोरिस बाबिन और दूसरा क्वेश्चन बना था हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस वो थे आपके एलन एन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन ने और जो आपका वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है सेकेंड दिसंबर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर अठारह में अगस्टा एडावेर ने सुजेस्ट किया चार्ल्स वेबेज को कि वह अपने एनालिटिकल इंजन में बाइनरी सिस्टम का यूज़ करें जो एगस्टा एडावेरोन थी वो फर्स्ट फीमेल कंप्यूटर साइंटिस्ट थी और फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्कैंडियन कैलकुलेशन इंजन जो इन्वेंट किया था पर जॉर्ज स्कैंडियन ने 1843 में ये बेस्ड था चार्ल्स बेबज के डिफरेंस इंजन पे और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आपका फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर कौन था तो वो आपका फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर था स्कैंडियन कैलकुलेशन इंजन इसके बाद जिस डिवाइस की इन्वेंशन हुई वो थी आपकी टेबुलेटिंग मशीन जो इन्वेंट की गई थी हरमन होलरित द्वारा अठारह में हरमन होलरिथ यूएसए से बिलोंग करते थे और इन्होंने अपनी फर्स्ट कंपनी ओपन की थी 1911 में जिसका नाम था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी और यही कंपनी 1924 में जाके आई बनी जो हरमन हुररिथ की टेबुलेटिंग मशीन थी इसका यूज़ अठारह में हुई अमेरिका की जनगणना में हुआ था अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर जिसका नाम था हार्वर्ड मार्क वन जो इन्वेंट किया गया था हार्वर्ड एच अकीन द्वारा 1943 में हार्वर्ड मार्क वन को ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी कहा जाता था जो इन्वेंट किया था आई कंपनी ने इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जिसका नाम था वन जो क्रिएट किया गया था कोनार्ड जूस द्वारा 1936 टू 1938 थर्टी कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के लिए पंच टेप का यूज किया जाता था इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनिक एनिक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर यह फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो कंप्लीट हुआ था 1946 में और ये डेवलप किया गया था जॉन प्रेस्वर एकट एंड जॉन डब्ल्यू मेकले द्वारा अब हम डिस्कस करेंगे यूनिबेक वन के बारे में यूनिबेक वन जो था आपका फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था जो डिज़ाइन किया था जॉन प्रेसर एकट एंड जॉन मेकले द्वारा नाइनटीन में UNIVAC वन की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वन है आपका फर्स्ट कंप्यूटर था जिसका यूज सरकारी कार्यालयों और बैंकों में शुरू हुआ था उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडबैक एडबैक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम स्टोर किया गया था इस कंप्यूटर को डिजाइन किया था बोर्न न्यूमैन ने 1952 में और इस कंप्यूटर की इतनी मेमोरी थी कि होल्ड कर सकता था प्रोग्राम और डाटा दोनों को इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर आपका फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर था ओसवन वन जो रिलीज़ हुआ था नाइनटीन में ओसवन कंप्यूटर कॉरपोरेशन द्वारा और आपकी फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी जो फाउंड हुई थी 1949 में और किसके द्वारा फाउंड हुई थी जे प्रेसफर एक्रेट एंड जॉन मैकले द्वारा यह थी आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में वो पॉइंट डिस्कस करते हैं आपका फर्स्ट है कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन थी आपकी अबेकस और फर्स्ट कैलकुलेटर विद कमर्शियल यूज वो था आपका अर्थमोमीटर फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था आपका एनालिटिकल इंजन फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर था आपका स्किन कैलकुलेशन इंजन और इन्वेंट किए गए थे हरमन होलोरि द्वारा इसके साथ साथ फर्स्ट इलेक्ट्रो मकैनिकल कंप्यूटर था आपका हार्वर्ड मार्क वन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस थी आपकी एटेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर और फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था एनिक बन और फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था आपका यूनिक बन यह थे आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर अगली वीडियो में हम एम सी क्यू सेट लगाएंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे और उससे आगे हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो इसलिए स्टे कनेक्टेड विद योर कोर्स स्टडी चैनल डू वर्क हार्ड गुड ब्लेस यू ऑल